जैसा आपने कहा था मैंने बॉडी मॉर्चरी में रख दिया सर। गुड इवनिंग ऑल, श्री नंद गोपाल चक्रवर्ती मेरे भाई, इन्होंने पीपल मार्ट कंपनी की स्थापना की और अपने मुनाफे का 50% हिस्सा कॉर्पोरेट स्टाइल स्कूलिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते आए हैं, ये आप सभी जानते हैं। उनकी इसी नेकी की वजह से उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा जा रहा है और मुझे उन पर बहुत गर्व है। अब मैं मंच उन्हें सौंपता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं भी इन्हीं चीजों की फिक्र करता था कि मैं कामयाब क्यों नहीं बन पा रहा, क्यों सिर्फ नाकामी दिख रही थी। मैं भी बहुत दुखी था, लेकिन आपको पता है मैं कामयाब कैसे बना? बांस के पेड़ देखे हैं? जमीन में बीज बोकर पानी डालने से अगले दिन पेड़ नहीं दिखता, अगले हफ्ते भी देखो कुछ नहीं दिखता, एक महीना कुछ नहीं, एक साल कुछ नहीं, आखिर में 3 साल बाद अंकुर निकलते हैं। फिर जब वो बढ़ने लगता है तो कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है 3 साल जमीन के नीचे क्यों रहता है? क्योंकि उसे जितना ऊपर जाना होता है उतनी ही नीचे उनकी जड़ें जाती हैं। कामयाब होने पर हमें सिर्फ आसमान दिखाई देता है, लेकिन उड़ने से पहले ग्राउंड वर्क करना जरूरी होता है। वो ग्राउंड वर्क ही है जो आपको कामयाब बनाएगा। थैंक यू। इसीलिए मेरा अप्रोच स्टेप बाय स्टेप होता है। मेरे पीपल मार्ट परिवार से मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आप सबको यूं ही मेरा परिवार नहीं कहता। मेरी वाकई इच्छा है कि हम सब हमेशा एक परिवार की तरह मिलकर रहे। कैसे होगा मैं नहीं जानता, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूं। आई एम सफरिंग विथ न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज। डॉक्टर्स ने मुझे मैक्सिमम 2 महीने दिए हैं। इस परिवार में बड़ा होने के नाते आपको ये बात बताना मेरा फर्ज था। आई एम लिविंग हैप्पीली, आई वॉन्ट टू डाई हैप्पीली, आई एम लिविंग सक्सेसफुली, आई वॉन्ट टू डाई सक्सेसफुली। प्लीज सर, प्लीज सर, बड़ी मेहनत से ये कंपनी खड़ी की है मैंने, 15 साल मेहनत की है मैंने, छोड़ दीजिए सर प्लीज। देखिए देखिए, कुछ बोलिए, कुछ तो बोलिए भैया, इसे कहिए ना ऐसा ना करें। इस तरह गिड़गिड़ाने का मन कर रहा है जो राजा खुद को नहीं बचा सकता वो प्रजा को क्या बचाएगा। Am I right? जिसकी जेब खाली होती है उसे पैसे चाहिए, जिसकी जेब भरी हो उसे पावर चाहिए, पावर मिलने के बाद उसे पूरी दुनिया चाहिए। एक छोटी पर प्रॉफिटेबल कंपनी कुंवारी लड़की की तरह होती है, अगर सही वक्त पर उसकी शादी ना हो तो कोई भी भगा कर ले जाएगा। कुमार चक्रवर्ती, जिन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है, उन्होंने हमारी पीपल मार्ट कंपनी के 50,000 शेयर्स अपने वर्कर्स को बांट दिए हैं। मेरे पीपल मार्ट परिवार से मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन 2 महीनों में सारे शेयर्स कंपनी में काम करने वाले सभी में समान बांटकर तुम सबको मैं अपने परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। यानी इस कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं है, मुझे इस एम्पायर को छीन लेना चाहिए। छोटे, 2 महीने में आने वाले तुम्हारे बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट दूं वही सोच रहा था, करेक्ट गिफ्ट मिल गया। कल जब अपन घर पर नहीं था तो बाबूजी ने बताया कि प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करने आया था। किसने टांग रखी बता? मैंने 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 अपने लुके बॉस के सामने खुदकने की जरूरत नहीं है,
एक राउंड तुम्हारी धुलाई होगी, फिर बोलोगे मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं नहीं था। अबे लोखो, अगर किसी को माफ करना है बोलना है तो अभी बोल दो, क्योंकि जब हाथ चलता है तो कान को सुनाई नहीं देता। हमारे इलाके में आके हम इसे शान पट्टी। अभी तो बातचीत कर रहे थे, इसको लैंपट कर डाला। इसमें मेरे को विलन दिखाई दिया। हाँ दिखा तो। If I see a villain in you, you will see a hero in me. तेरे अंदर का विलन फड़का तो अपन के अंदर का हीरो धड़का। तो जब भी आता है अपन के सामने कोई विलन, नहीं होता उसका पुनर्जन्म। तू और तेरा हीरो दोनों यही मरेंगे। ये लोग सीख डायलॉग कैसे मारते हैं। लगाना पूरा फिल्मी हीरो। डर गया। हीरो के सामने विलन चिल्लाते नहीं। देखिए भाई, हमारे अंदर से विलन बाहर आता है ना, उसी तरह इनके अंदर से हीरो बाहर आता है। सच कह रहा हूँ। तो क्या तू मुझे चुप करवा रहा है? चुप रहिए। ये जो आपका गुस्सा है ना, इसे शांत कर लीजिए। भैया आपको प्यार से समझाएंगे ना, इनके पास हर समस्या का हल है। तेरी प्रॉब्लम क्या है छोटे? मम्मी को दांत चाहिए। तो मैं दांत कहाँ से ला कर दूँ? कल कोई घर आया था, दांत पीस कर बात कर रहा था, मम्मी को वही दांत चाहिए। दांत पीस के बात करते हैं ना, अब आपके ये दांत ले जाएंगे। हंसिए थोड़ा और, अब उधर देखिए। तेरी समस्या क्या है छोटे? गेल सा पता नहीं शू कहूं, मेरा गठबंधन नहीं हुआ। तो क्या मैं तेरी शादी करवा दूं? ये तेरा दलाली का डंडा है? ये मुझे दलाल बोल रहा है रे, मुझे दलाल समझ कर रखा है क्या? हो गए खुश? मिल गई खुशी? ये मुझे कितना मार रहा है रे? मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना क्लियर आदमी कहीं नहीं देखा, समझे ना? आपको सवाल पूछना नहीं आता है और भैया को दोषी बना रहे हैं। हंसिए थोड़ा और, उस तरफ देखिए। तुमने कहा मैंने धमकी दी है? मैं तो रोज 10-15 को धमकी देता हूँ। अब तुम्हारे पिताजी कौन है मुझे कैसे पता चलेगा भाई? 8 मिनट। हाँ बापू। छोड़ा, एक राउंड चाहिए। गयो गयो गयो, इंटरवेल चल रहा है। क्यों रे? मुझे भी दिखाओ। देखना। अबे तू इसका बेटा है क्या? इस घर को हड़पने के लिए तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। भुदक रहा। अंदर का विलन भुदक रहा है। बॉडी के स्टोर रूम में वो ज्यादा टिक नहीं पा रहा है, कुलाटी मार कर बाहर आ रहा है। ए पकड़ रहे। ए राधा, बहुत दिन से बोल रही थी ना मेरे बेटे ने किसी की पिटाई नहीं की, देख देख देख। अरे सुन, तेरे भैया आज फुल एचडी में मारने वाले, जरा आके देख तो सही। जो टकला है ना, उसको मेरी तरफ से भी 2 टपली लगा देना, वो भी जोरदार। मम्मी को डराता है, मेरी माँ को डराता है। ए शूट 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 शूट। ऑडियंस सिटी बजाओ। ये क्या कर रही हो माँ जी? अपने बेटे को मत उकसाओ। आपको पता नहीं है कि गुंडों का इंश्योरेंस भी नहीं होता? इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं तो पंगा क्यों लिया? बहुत टेढ़ा आदमी है वो, पहले धुलाई करता है फिर सुखाता भी है। पता नहीं था, मेरा टाइम खराब है। अरे बाप रे, टाइम से याद आया। बेटा तेरे को ऑफिस नहीं जाना है, देर हो जाएगी। अरे धुलाई में बहुत मजा आ रहा था माँ, इसे छोटी सी वार्निंग देकर कल्टी लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। बापू ने एक ही बात सिखाई, जब भी लड़ाई झगड़ा हो बिना सोचे समझे दुश्मन को चीर फाड़ दो। इतना डोज काफी है? काफी है। हंसते हुए बोलिए। काफी है। थोड़ा और। काफी है। खूब भालो। माँ को शिंडी लगा कि वार्निंग दूंगा। वैसा अपन का सिर्फ डायलॉग बोलना फैंस को नहीं जमता। मार धार इज मस्ट। फर्स्ट गलती थी तेरी, साइलेंसर लेकर आया। अगर तूने रिपीट टेलीकास्ट किया तो साइलेंसर नहीं तलवार लेकर आऊंगा। अब सो, जहाँ जहाँ साइलेंसर लगा वहां तलवार लगेगी तो क्या होगा? कट गया। थैंक गॉड मैं तलवार लेकर नहीं आया, वरना गब्बर राज ठाकुर बन जाता। हाथ धोने के काम आते हैं, यूज देम, समझा? हवे हो जाओ। थैंक यू। कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। आनंद कहाँ है?
तैयार हो रहा था। सर, टैबलेट्स। वाइजैग में कोई इशू हुआ था? सर वो वाइजैग में हुआ क्या था? हैदराबाद में सर्वे करना, एक ऑफिसर अपॉइंट करना। ऑलरेडी बात हो चुकी है सर, वहाँ सिर्फ कनेक्शन का होगा, आप चाहें तो वेरीफाई करवा दीजिए। कौन हो तुम? तेरे दोस्त एकड़ पर हमने जैसे ही पैर रखा तो तुमने पूछ लिया कि कौन है हम। 682 स्क्वायर किलोमीटर के इस वाइजाग शहर में तुम आए, हजारों लोगों को नौकरी दी, करोड़ों का प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ के लोगों के नेता से पूछा तक नहीं। तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? प्लीज सर, शांत हो जाइए, बैठ कर बातें करते हैं। शुक्र मनाओ कि हम बात करने ही आए हैं, वरना ना तो ये आदमी होते और ना ही तुम जिंदा होते। क्या कह रहे हो, मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले मेरी बात तुम सुनो। जब तक तुम्हारी ये कंपनी यहाँ है, पूरे बिजनेस का 10% हमको मिलना चाहिए। सर, लोगों की मेहनत से कमाए पैसे मैं आपको ऐसे मुफ्त में देकर उनका अपमान कभी नहीं कर सकता। I'm sorry, sir. वहाँ 50 लोग थे और इसने हाथ भी नहीं उठाया तो ये वहाँ से बाहर कैसे निकले? पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, दो इंसानों में जब झगड़ा हो तो पहले हाथ उठाने वाला कॉमन मैन होता है, लेकिन जो टेबल पर बैठकर बातचीत से हल निकाले वो बिजनेसमैन होता है। कंपनी में काम करने वाले गद्दार लोगों में अगर थोड़ा सा भी दिमाग होता तो आपकी ही भलाई सोचने वाले कंपनी के मालिक की तरफ आप सब होते, ना कि आपको धोखा देने वाले के साथ। ये सिर्फ आपको खर्चा पानी दे रहा है, तरक्की का लालच देकर आपका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपके बुढ़ापे की सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। जरा सोचो, तुम लोग जो भी कर रहे हो बच्चों के लिए ही ना। कल जब वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे पापा ने 10 लोगों को मारकर फीस भरी। तुम सब ये छोड़कर ईमानदारी से पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा बैकग्राउंड देखकर तुम्हें नौकरी कौन देगा? मैं दूंगा। अगर तुम इज्जत से जीना चाहते हो तो तुम सबको नौकरी देने का भरोसा मैं देता हूँ। रोज सिर्फ 8 घंटे का काम, आधी रात को आने की जरूरत नहीं है, 60 साल की उम्र तक काम करो, उसके बाद तुम्हें कंपनी पेंशन भी देगी, मरते दम तक किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी को डिलीवरी बॉयज चाहिए, इस शहर की हर गली और कोने को तुमसे बेहतर कौन जान सकता है, सोच कर देखो। रोज तुम लोग गुंडागर्दी करते रहते हो, ना ही इससे तुम्हें खुशी मिलती है ना ही घर वालों को। अगर फिर भी तुम्हें सिर्फ इसकी गुलामी करनी है तो मुझे यहाँ से निकाल कर दिखाओ। तुम लोग खड़े होकर इसकी कहानी क्यों सुन रहे हो? जाओ मारो इसको। एमडी सर आ गए। अरे सुबह ही आ गए थे। अच्छा तुमने लोन के लिए अप्लाई किया था, मिल गया क्या? अगर मैं जल्दी लेता तो खर्च हो जाता ना, इसलिए आज अप्लाई किया। 15 दिन में लोन सैंक्शन, 1 महीने में शादी, लाइफ सेट समझो। बढ़िया प्लान है तुम्हारा। आपको एमडी सर ने बुलाया। लगता है लोन सैंक्शन हो गया, मिलकर कटिंग चाय पिलाऊंगा। लोन सैंक्शन करने के लिए थैंक्स सर जी। आज झगड़ा किया गया? यस सर। मुझे भी अंदर का हीरो देखना है। समझा नहीं सर। टर्मिनेशन लेटर। क्यों सर? तुम जिसे मार कर आए उसका डर तुम्हें नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन मुझे है सर। वो वापस आएगा तो मारोगे उसे? बहुत कस के। मैं नहीं मार सकता, इसलिए 3 लोग मेरे पे डिपेंड है और मुझ पर ऑफिस के 300 लोग डिपेंड है। खड़ोस कहीं का। कहना क्या चाहते हो? तुम्हें निकाल कर मैं हीरो बन जाऊंगा, तुम खुद जाओगे तो तुम हीरो। जरा अपने अंदर का हीरो तो दिखाओ। तुम जैसों की वजह से कंपनी नहीं चलती, तुम मैनेजर कम डैमेजर ज्यादा लगते हो। बैठे बैठे चर्बी चढ़ गई है, टाइम खराब कर दिया। केबिन में कोई और तो नहीं है? परसों मुंह दिखाई के वक्त पापा ने कहा था शादी धूमधाम से करेंगे, उन्होंने अचानक कहा तो मैं उन्हें रोक नहीं पाया। आपको एतराज ना हो तो मैं भी इस शादी के लिए कुछ पैसे देना चाहता हूँ। टेंशन मत लो जमाई कुमार, तुम्हारे साले ने सब अरेंजमेंट कर दिया है, शादी धूमधाम से होगी, मेरी गारंटी है ना? अच्छा तो तैयारी कर ली, ठीक है तो मैं चलता हूँ। पहले बाय। आओ जो जमाई राज। आओ जो। अच्छा मैं चलता हूँ।
मैंने बोल दिया शादी धूमधाम से होगी। ऑफिस से विदाई हो चुकी है, शादी का पता नहीं। हाँ? मतलब ऑफिस से निकाल दिया, अब क्या करेगा? जिंदगी पड़ी है, सोचूंगा। मैंने मैनेजर से बात की है, फिलहाल तो कोई नौकरी नहीं है, मगर होगी तो भी 6 महीने प्रोबेशन। अभी तो तू अच्छी खबर दिया कर, 1 महीने के अंदर जॉब ढूंढ लेना, क्योंकि जब तक सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी घंटा कोई लोन नहीं देने वाला। और वैसे भी बिना नौकरी के कोई किसी को 10 लाख का लोन भला क्यों देगा यार। 1 महीने में जॉब मिलना तो सर, अगर आपके बाद आनंद जी सीईओ बनेंगे तो अच्छा होगा सर। संजय, आनंद सीईओ बनना ही नहीं चाहता तो क्यों बकवास कर रहे हो? भैया मेरे लड़के को सीईओ बनाना चाहते हैं, अमेरिका भेज के वहां से एमबीए करवा रहे हैं, है ना भैया? हमारे कंपनी का सीईओ विक्रम ही बनेगा चाचा, वैसे वो अमेरिका से आ कब रहा है? भैया बोलेंगे तो कल सुबह बुलवा लेता हूँ। लड़की कैसी है? बहुत अच्छी है पापा, शी इज ब्यूटीफुल। उसके पापा से बात करूं क्या? बोलो पापा। सर मेरे पास सिर्फ 2 महीने, पापा ने दवाई नहीं। शादी देखे बगैर ही चला जाऊं क्या? आप भी क्या पापा, 1 महीने बाद आपका जन्मदिन है और उस दिन तक वाइजैक फैक्ट्री में हजारों लोगों को नौकरी देनी है, हजारों परिवारों को खुशियां मिलेंगी, वही होगा मेरा बर्थडे गिफ्ट, फिर खुद का सोचूंगा। क्या दवाई लीजिए पापा। 1 महीने में हजारों को नौकरी, मुश्किल है। हेलो, फर्स्ट टाइम? सो मेनी टाइम्स। ये इस वक्त क्यों फोन कर रही है? हेलो भैया, मैं प्रतीक के साथ बाहर कॉफी पीने आई हूँ। शादी से पहले गुलछरे उड़ा रही हो? सॉरी ब्रदर, सॉरी सॉरी। हेलो भैया, तुम दोनों अकेले में कुछ भी करते हो और टेंशन मेरे को होती है, कितनी बार तेरे को समझाने का बेन, अकेली काय को गई तू? मेरी दोस्त भी साथ में है भैया, सोच रही थी आप भी आ जाते तो अच्छा होता। इंटरव्यू के लिए आया हूँ, बाद में फोन करता हूँ। फोन मुक, फोन मुक। मुझे ये बताइए, आपको पिछली नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? एक्सक्यूज मी सर। हेलो, इंटरव्यू चल रहा है, खत्म होते ही फोन करता हूँ तेरे को। मिस्टर, सिस्टर, आपको पिछली नौकरी से क्यों निकाला गया बताइए। सॉरी सर, कट करता हूँ, कट करता हूँ। इसी वजह से आपको पिछली नौकरी से निकाला होगा। सर आप ये नौकरी छोड़ दीजिए, डिटेक्टिव बन जाइए, फ्यूचर काफी ब्राइट है। नौकरी नहीं चाहिए, रिज्यूमे दे। दो कौड़ी की नौकरी तेरी। सुबु कहाँ है? मैं सुबु की फ्रेंड हूँ। ओह, गरीबों को खाना खिलाने के लिए मैं कार से उतरी तो इन लोगों ने मुझे घेर लिया। पापा को फोन करने वाली थी, तब पता चला कि मेरा और सुबु का फोन एक्सचेंज हो गया है। ओके ओके, आई लीव, यू गाइस कैरी ऑन, बाय बाय। ओह, रिसेंटली डायल में भैया का नंबर था, सोचा भैया तो मुझे किसी भी प्रॉब्लम से निकाल लेंगे, इसलिए मैंने मैसेज किया। भैया प्रॉब्लम में हूँ, ऐसा मैसेज तूने लिखा था? मोटा भाई, इस लड़की को मैं नहीं जानता हूँ, सो प्लीज कैरी ऑन। ऐसे क्यों बोल रहे हो? वैलेंटाइन डे के अलावा कुछ नहीं पता। अरे कहाँ जा रहे हो? शक्ल अच्छी है, हाइट अच्छी है, फिगर अच्छी है, लेकिन दिमाग से एकदम पैदल हो। मेरे को भैया काय को बोला? सुंदर लड़की हैंडसम लड़के को भैया बोले, ये अन्याय है। इतनी सी बात पर मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम उसी नंबर से फोन करो और मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, आके मुझे बचा लो, ऐसा मैसेज भेजो, लाइव लोकेशन व्हाट्सएप करो, तभी मैं आऊंगा। हेलो, क्या रे, बहुत हीरो बन रहा है तू, दिखाओ क्या तुझे? वो तो अपन पैदाइशी है, तेरे को कोई शक है? इधर का हीरो अपुन है। ए, कौन शे, कौन है, कौन रे, किसने इस लुके को मेरा डायलॉग दिया? ए, तूने मैसेज किया कि नहीं? ए, कंफर्म हो गया, अपन टांग नहीं अड़ाएगा, अपन जा रहे लाए। हेलो, रुको। ए, वो तो चला गया, अब अपुन क्या करे बताओ? डार्लिंग मैं प्रॉब्लम में हूँ, जल्दी आकर मुझे बचा लो। नहीं आऊंगा मैं, नहीं आऊंगा। प्लीज ना, मेरे प्यारे बाबू, मेरे सोना, मुझे बचा लो ना। कौन रे तू, कहाँ से टपका तू, मरने का है क्या? इंटरव्यू देने तो मैं गया था, लेकिन सवाल तू ज्यादा पूछ रहा है। ए, पता है तेरे को मैं कौन हूँ? जानता है अब उनके पीछे कितने लोग हैं? 0 से भी कम, सारे कट लिए। जाने दो ने, अब उनको टच किया तो कौन आएगा पता है क्या? एम्बुलेंस लेकर ड्राइवर आएगा। अब
उनको हल्के में ले रहा है, उंगली भी लगाई ना तो बांगू नगर का बादशाह इधर आएगा, फिर बादशाह ऐसा मसलेगा तेरे को। ये बादशाह कौन है? तू बादशाह को नहीं जानता? बादशाह यहाँ का भाई है वो। सवाल का जवाब देना, बादशाह को मारा तो कौन आएगा? बादशाह को मारा तो कुर्ला का शरीफ खान आएगा, उसको अफजल खान का पोता बोलते हैं। अच्छा, और कुर्ला के शरीफ को मारा तो कौन आएगा? कुर्ला के शरीफ खान को मारेगा? अबे तू शरीफ खान को मारेगा? अरे अरे पागल है क्या? तुझे पता है? ओवर एक्टिंग बंद कर। कुर्ला के शरीफ को मारा तो कौन आएगा बताना? शरीफ को मारा तो मुंबई का राजू कोबरा है, अक्की कंट्री में उसका मुकाबला ही नहीं है। मरी गयो, कल्टी लेनी चाहिए। देख रहा डार्लिंग, भाई का नाम लेते ही कांपने लगा। तू समझा नहीं, मैंने सोचा टाइम पास क्यों करूं, सीधा जाकर मुमरा के कोबरे को पीटता हूं। भाई कसा का है? ए फुलझड़ी बैठ ना। कौन है वे तू? क्या चाहिए तेरे को? थोड़ा मारने का था। खाना खाने के टाइम में तू यहाँ मारने की बात कर रहा? चल ये बता किसको मारेगा तू? आपको मारूंगा भाऊ। मेरे से मजाक कर रहे? नो मजाक, सच में दूंगा। मेरे को क्यों मारना रे? आपका फुंतरू मेरी वाली को छेड़ रहा था। अरे अगर वो तेरी छमिया को छेड़ रहा है तो तू उसको जाके मारना, मेरे को क्यों मार रहा है तू? हाँ इसको मारता तो बांगूर नगर का बादशाह आएगा बोला। अगर डेरिंग है तो बांगूर नगर के बादशाह को मारना। मियां बादशाह को मारता तो कुर्ला का शरीफ आएगा बोला। अगर तू एक बाप का है तो कुर्ला के शरीफ को मार के दिखाना। उसको मारा तो मुमरा का कोबरा आएगा बोला। अरे इतना दम है तो मुमरा के कोबरा को मार के दिखाना। वही तो करने आया हूँ ना। पूरे शहर की मेरे से फटी है, तू साला यहाँ के मेरी फाड़ रहा है क्या? बहुत खुजली हो रही है। कच्चा लिंबो समझाओ तो कॉमेडी कर रहा है तू पहलवान। ये कोबरा का सांड होना, हिम्मत है तो इससे लड़के दिखा। बापरे मुझसे नहीं होगा। यो मिया फटे ना, इनको मारूंगा तो नाम खराब होगा। आपको मारने का मन बना के आया हूँ। सुनो, खाना खत्म होने से पहले ये खत्म हो जाना मांगता। शेर जब तक शांत है तब तक ठीक है, लेकिन अगर शेर को छेड़ेगा तो। डायलॉग आधे में मत छोड़, पूरा कर। तेरे जैसे विलन के लिए 100 ग्राम की वार्निंग भी पूरी में बांध के दूंगा ना तो काफी है। कोबरा निकलूं? निकल। ए, चिल्लाता है। निकलो मेरे भाई। जाओ, वापस मत आना। सखुबाई सला निगोया, चलिए चल जाइए। हेलो रुको, अरे सुनो ना, वहाँ उन लोगों ने मुझे छेड़ा था तो यहाँ इन लोगों को क्यों मारा? मेरे इन कातिलाना आँखों के व्हाट्सएप पर तेरी डीपी छप चुकी है। क्या मतलब? नाउ काय गर्ल प्रणवी, बेबी प्रणवी, आई लव यू सो मच। सिर्फ नाम जानकर किसी से प्यार हो जाता है क्या? दुनिया में कितने लोग हैं जो बिना शक्ल देखे शादी कर लेते? मैंने तो सिर्फ आई लव यू बोला। पहले हम अजनबी थे, अब जान पहचान हो चुकी है। तो कुंडली बताऊं? मेरा नाम स्वामी है, पहले मेरे पास नौकरी थी अब नहीं है। पति परमेश्वर के ना लुक्स है ना ही लक्षण, लेकिन बंदा बुरा नहीं है। आवारा लड़कों जैसे मेरे में ऐसे कोई भी गुण नहीं है। पहली बार तुम्हें देखते ही मेरे दिल में गिटार बजी, ऐसा नहीं कहूँगा। एक लड़की से बेपनाह प्यार किया था, लेकिन पैसे वाला लड़का मिलते ही उसके साथ निकल पड़ी, उसके बाद बड़ी गैप आ गई। वैसे मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है, रोज शाम को 2 पैक मारने की आदत है। फेफड़े बुरा ना माने इसलिए बीड़ी पीता हूँ। आज कंपनी दोगी? छी छी नहीं पीती।
और एक बात सुनो, 1800 स्क्वायर फीट का घर, 21 इंच का टीवी, सिंगल डोर फ्रिज और एक टू व्हीलर, ससुराल में ये सब है। बात ससुराल तक भी पहुंच गई? मैंने तो उससे आगे की सोच ली है। हम दोनों की दो बेटियां भी हैं। डिलीवरी के बाद तुम मोटी हो गई हो, शेप बिगड़ गया है। हम जॉगिंग करने जाएंगे, वॉकिंग करने जाएंगे, मैंने बहुत आगे की सोच ली है। इसलिए शादी कब करनी है ये सोचो, और हनीमून पर कहाँ जाना है ये मुझे बता देना, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी जल्दी घर जाओ। अरे दिमाग पे इतना जोर मत डालो, घर जाके शैम्पू से बाल धो लेना, डैंड्रफ निकल जाएंगे।